सीटेट का ओएमआर कैसे आप लोगों को डाउनलोड करना है और सीटेट का जो आंसर की है वो कैसे डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आज सीटेट के बारे में होने वाला है। तो आप लोग अपने गूगल पे जाइए, वहाँ पे ऑनलाइन अपडेट एसटीएम क्लिक टाइप करिए या फिर www.ctet.nic.in2023 आंसर की भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन अपडेट एसटीएम करिए तो और ज़्यादा आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको टाइप करेंगे तो इस तरीके से ये पेज जब खुल के आएगा तो यहाँ पे ये जो ऑनलाइन एसटीएम इसको क्लिक करिए। फिर उसके बाद से जब आप क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे ऐसे खुल के आएगा आपका भी पेज। फिर उसके बाद से ऐसे नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ लेटेस्ट अपडेट में देखिए सीटेट आंसर की 2023 अगस्त का, यहाँ पे इसको क्लिक करिए। ओके, फिर आपका पेज खुलेगा। यहाँ पे आप आएंगे इस तरीके से और नीचे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए, यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट लिखा है, यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करिए। फिर यहाँ पे आइए नीचे स्क्रॉल करते करते और यहाँ पे देखिए सबमिट की चैलेंज सीटेट 2023 अगस्त का, यहाँ पे इसको क्लिक करिए। फिर आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका ये खुल के पेज आएगा। सबमिट की चैलेंज यहाँ पे रेड वाले पे क्लिक करिए, उसके बाद से आपका यहाँ पे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आएगा, तो आप इसको इस पर अपना रोल नंबर डालिए, क्या रोल नंबर है, फिर उसके बाद से लॉग इन करिए। ठीक है दोस्तों, मैं ये सारा कुछ मोबाइल से ही बता रही हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, अब आपको ये जो कैलेंडर होगा उसके हिसाब से डालना होगा या तो फिर इस पर टाइप करके डालिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब पेपर वन और पेपर टू का आंसर की आ गया है और ओएमआर सीट का भी आ गया है। तो आप लोगों को जिसने पेपर वन दिया होगा उसका पेपर वन आएगा, जिसका दोनों दिया होगा उसका दोनों आएगा, जिसको पेपर टू दिया होगा उसका पेपर टू आएगा। तो डाउनलोड आंसर की के नीचे जो ब्लू कलर का है उस पर आप डाउनलोड आंसर की कर सकते हैं। फिर यहाँ से भी पेपर टू के लिए भी डाउनलोड आंसर की कर सकते हैं। फिर ओएमआर डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से, जब आपका दोनों ओएमआर और दोनों आंसर की जैसा जिसका पेपर होगा आ जाएगा। फिर उसके बाद से आप लोग क्या करिएगा कि अगर आपके पास दो मोबाइल है या टैबलेट है लैपटॉप है तब तो आप लोग के लिए इजी होगा कि एक में आपने ओएमआर डाउनलोड किया और एक में आंसर की डाउनलोड किया तो आप इजीली मैच कर लेंगे। लेकिन जिसके पास अगर सिर्फ एक ही मोबाइल है तो वो क्या करेगा कि जो आंसर की आपने डाउनलोड किया है उस आंसर की को आप अपने पेपर के वाइज क्या करिएगा कॉपी पे नोट कर लीजिएगा कि आपने CDP का, फिर EVS का, मैथ सेक्शन का जो भी था और हिंदी में जिसने हिंदी लैंग्वेज वन चुना होगा वो, और जिसने संस्कृत में लैंग्वेज टू चुना होगा वो, जिसने इंग्लिश में लैंग्वेज वन चुना होगा वो, जिसने लैंग्वेज टू जो भी चुना होगा, जैसे लैंग्वेज में जो आप लैंग्वेज जो दोनों चुने होंगे चूज किए होंगे वो करिएगा। और उसके बाद से जो मेन पेपर में तीन सब्जेक्ट है उसको कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि CDP, EVS, मैथ, ये तीनों था ही पेपर वन में और पेपर टू में तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग था, तो उस अकॉर्डिंग आप लोग उसको पेपर किसी पेज पे नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद से अपने ओएमआर से मैच करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, या तो अपने ओएमआर का भी लिख सकते हैं कि पेपर पे और फिर उसके बाद से आंसर की से मैच कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल पड़े। और अगर आपके पास दो मोबाइल है घर में तो आप उस पर दोनों मोबाइल में डाउनलोड करिए और वहाँ से मैच कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं एक आंसर की आप लोग को डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने पेपर फर्स्ट का आंसर की डाउनलोड कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए मैं डाउनलोड करी थी। ठीक है, फिर से करना पड़ा है आप लोग के लिए, कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये क्लिक, ठीक है, इस तरीके से। अब आप लोग क्या करेंगे, अगर किसी का पेपर है जो ये पेज, तो आप लोग किसी पेज पे ये नोट कर लीजिएगा ऐसे ही। ठीक है, पेपर क्वेश्चन नंबर वन आंसर थ्री, क्वेश्चन नंबर टू आंसर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर टू, क्वेश्चन नंबर फोर आंसर टू, इस तरीके से आप नोट कर लेंगे। फिर ओएमआर से मैच करने में आपको काफ़ी इजी होगा। ठीक है, सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसी तरीके से ओएमआर है, थैंक यू। और हाँ दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहने वाली हूँ कि देखिए मेरा टारगेट है UPPCS और RO। ठीक है, उसके साथ मैं पेट का भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को सारे शेड्यूल, बुक्स, कौन सी बुक लिस्ट यूज करनी है, कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, ये सारे सब कुछ मैं आप लोगों से अपना डिटेल्स शेयर करती हूँ। तो इसके मैं पेट के लिए तो मैं वीडियो डाल भी दी हूँ और RO और UPPCS के लिए मैं वीडियो लाने वाली हूँ कि कौन सा बुक आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। अगर जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, तो मैं इसके लिए आगे बहुत सारी वीडियो इस पर लाने वाली हूँ। ठीक है, सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।